तो दोस्तों ये है ऑल न्यू हीरो HF 100 वाला मॉडल जो कि मोस्ट पॉपुलर एंड सेलिंग बाइक में से एक यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसका क्या प्राइस रहने वाला है, क्या क्या फीचर्स हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं, पूरा डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ जरूर जुड़े रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए। वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाली है, अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो यहाँ पे जरूर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सारी चीजें तो हमें लगभग, अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर इसके लुक की, तो आप लुक वाइज पता नहीं लगा सकते एकदम से देख के कि ये HF डिलक्स वाला मॉडल है या HF 100 वाला। तो अगर आप HF डिलक्स और HF 100 वाले का दोनों का डिटेल में कंपैरिजन चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं डिटेल में कंपैरिजन भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आ सकता हूँ, तो आप नीचे कमेंट जरूर करिए। और बाकी इसका जो HF डिलक्स वाला जो मॉडल है उसका भी मैंने डिटेल में रिव्यू किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बाइक से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं नए कंटेंट के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसके फ्रंट लुक की, तो यहाँ पे ब्लैक कलर का हमें वाइजर देखने को मिल जाता है, हीरो की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि 3D में हमें देखने को नहीं मिलती, नॉर्मल स्टिकर वाली ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और हेलोजन वाले हेडलाइट हमें देखने को मिल जाते हैं, बल्ब वाले इंडिकेटर हमें देखने को मिल जाते हैं, फेंडर यहाँ पे ब्लैक कलर में हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं इसके एलॉय व्हील की बात करूं तो यहाँ पे एलॉय व्हील जो हमें देखने को मिलता है ब्लैक कलर में हमें देखने को मिल जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमें देखने को मिलता है और क्लीयरेंस जो इसका रहने वाला है 165mm का ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाता है। इंजन का जो टाइप रहने वाला है हॉरिजॉन्टल टाइप हमें इंजन देखने को मिलता है। इंजन के पावर और टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे 8 BHP की पावर और 8 Nm का टॉर्क हमें देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करूं तो 9.1 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। साइड पैनल का लुक कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहने वाला है। HF 100 की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। मीटर की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालॉग वाला, यहाँ पे डिजिटल मीटर हमें देखने को मिल जाता है। जिसका की की बात कर लेते हैं तो इसका जो की रहने वाला है कुछ इस तरीके से इसका लुक हमें देखने को मिलेगा। हीरो की यहाँ पे भी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं इसका जो हैंडल बार का लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका हैंडल बार का लुक हमें देखने को मिलेगा। ये जो बाइक है ये 20 फ्यूल वाली है, एकदम न्यू वाली बाइक है। सीट हाइट की बात करें तो 805mm की सीट हाइट हमें देखने को मिल जाती है, सिंगल सीट में हमें देखने को मिलता है। ग्रैब हैंडल का लुक कुछ इस तरीके से इसका देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके रियर प्रोफाइल में बात करूं तो यहाँ पे एलॉय व्हील का लुक आप देख सकते हैं फुली चैन केस के साथ हमें देखने को मिलेगी, जो कि फाइबर का चैन केस हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर तो इसमें देखने को मिलेगा ही, और साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन की बात करूं तो यहाँ पे हाइड्रोलिक सस्पेंशन हमें देखने को मिल जाता है, ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशन। साड़ी गार्ड का लुक कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। रियर में प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पे टेल लाइट जो हमें देखने को मिलेगी, हेलोजन वाली टेल लाइट हमें देखने को मिल जाएगी, बल्ब वाले इंडिकेटर हमें देखने को मिल जाएंगे, हीरो की यहाँ पे हमें ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी ऑल ओवर आप इसका लुक देख सकते हैं रियर से तो, और साइड प्रोफाइल की बात करूं तो साइड प्रोफाइल से भी आप इसका लुक देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। स्ट्रेट यहाँ पे साइलेंसर का लुक हमें देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको खुद ही देख सकते हैं और खुद ही आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि HF डिलक्स के जैसे ही ये दिखने वाली बाइक है, बट यहाँ पे HF डिलक्स पे काफी कम कीमत में हमें देखने को मिलेगी। तो अब बात करें कि ऐसा क्यों है, पावर और टॉर्क भी यहाँ पे हमें सेम देखने को मिल जाता है, जैसे कि 8 BHP की पावर और 8 Nm का टॉर्क हमें इसमें भी देखने को मिलता है और उसमें भी। बाकी इंजन का जो टाइप है वो भी यहाँ पे सेम देखने को मिल जाता है। तो ऐसा क्या है कि वो यहाँ पे हमें ज्यादा महंगी देखने को मिल जाती है और ये सस्ती हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो ऑल ओवर आप लुक से तो आप पता नहीं लगा सकते कि ये HF डिलक्स है या फिर HF 100 है, बट यहाँ पे छोटे छोटे जो डिफरेंस है जिसमें क्रॉस कटिंग किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हेडलाइट का जो सेटअप है, इसमें आप वाइजर का अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो काफी फ्लेक्सिबल क्वालिटी में हमें ये देखने को मिल जाता है। हीरो की जो यहाँ पे उसमें 3D में ब्रांडिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे स्टिकर में हमें देखने को मिलती है। वहीं इसका जो फेंडर का लुक यहाँ पे ये भी काफी फ्लेक्सिबल हमें देखने को मिलता है उसके हिसाब से। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हर जगह क्रॉस कटिंग किया गया है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल का लुक आप देख सकते हैं, ये भी हमें अलग देखने को मिल जाता है। बाकी आप अगर सारे चीजों के इसके जितने भी यहाँ पे इक्विपमेंट लगे हैं, जितने भी कंपोनेंट इसका लगा हुआ है इसमें, वो यहाँ पे आप देखेंगे तो हर जगह यहाँ पे फ्लेक्सिबल लगेगा वो HF डिलक्स के मुकाबले। बाकी इसमें कोई ज्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिलेगा, बाकी उसमें हमें सारी चीजें तो हमें उसमें हमें देखने को मिली जाती हैं लगभग, और इसमें भी हमें सारी चीजें उसके हिसाब से देखने को मिल जाती है, बट यही है छोटे छोटे जो क्रॉस कटिंग यहाँ पे किया गया है, बाकी कोई ज्यादा बड़ा इसमें अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है।
वहीं प्राइस की बात करूं तो इसका जो प्राइस यहाँ पे रहने वाला है 72,400 इसका ऑन रोड प्राइस हमें देखने को मिल जाएगा, 72,000 से 73,000 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस हमें देखने को मिल जाएगा। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कृष्णा मोटर्स जो की गदरपुर मेन रोड में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो अगर आप गदरपुर जैसी लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं और भी ऑफर्स वगैरह इसका जान सकते हैं, और भी बाइक्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी जितनी भी वीडियो आ रही है जैसे आप तक पहुंच सके। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये बाइक यहाँ पे अलग हमें देखने को मिल जाती है उसके कॉम्पिटिटर में, बाकी इसका मैं कंपेरिजन वीडियो भी जल्द आने वाला हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसमें अगर मैं अदर चीजों की बात करूँ तो यहाँ पे 110 किलोग्राम इसका ऑल ओवर कर्वेट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, 805 mm की सीट हाइट हमें देखने को मिल जाती है, तो ऑल ओवर सारी चीजें यहाँ पे हमें सेम देखने को मिल जाती है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आमने सामने होंगी तो ज्यादा समझ में भी आएगा आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वाली वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो यही था फ्रेंड आज के इस वीडियो में, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।